सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स पर दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग खरीदने के लिए अपनी मैनेजर करिश्मा को मैसेज भेजा था। इस मैसेज में क्या था, कब ये मैसेज भेजा गया, हम आपको एक एक बात बताएंगे। ये पूरी चैट 28 अक्टूबर 2017 की बताई जा रही है। इसी तारीख को सुबह 10:03 पर दीपिका ने करिश्मा को मैसेज भेजा, करिश्मा क्या तुम्हारे पास माल है। 10:05 पर करिश्मा का जवाब आया, मेरे पास है लेकिन घर में, मैं बांद्रा में हूँ। 10:05 पर करिश्मा ने आगे लिखा, क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। 10:07 पर दीपिका ने जवाब दिया, यस प्लीज। 10:08 पर करिश्मा ने लिखा, अमित के पास है, वो इसे लेकर आ रहा है। 10:12 पर दीपिका ने पूछा, हैश ना। 10:12 पर ही करिश्मा ने जवाब दिया, नहीं वीड। 10:14 पर करिश्मा ने दीपिका से पूछा, तुम कितनी बजे कोको आ रही हो। 10:15 पर दीपिका ने जवाब दिया, 11:30 से 12 के बीच। 10:15 पर दीपिका ने कहा, शैल कितनी बजे तक वहां पहुंच जाएगी। करिश्मा ने कहा, मुझे लगता है उसने कहा 11:30 था क्योंकि उसे 12 बजे तक किसी दूसरी जगह पर पहुंचना था। इस पूरी चैट में डी का मतलब दीपिका पादुकोण और के का मतलब करिश्मा है। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई ड्रग चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज करिश्मा को समन भेजा और बुलाया है। खबर है कि दीपिका पादुकोण को भी इसी हफ्ते समन भेजा जा सकता है और बुलाया जा सकता है। जिस वक्त करिश्मा को बुलाया गया उसी वक्त जया साहा से भी पूछताछ चल रही थी। आपको बता दें कि जया साहा और करिश्मा दोनों क्वान मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। जया साहा रिया चक्रवर्ती की मैनेजर हैं तो करिश्मा दीपिका पादुकोण का काम देखती हैं। आशंका जताई जा रही है कि पूरा स्वान मैनेजमेंट ही ड्रग डील में शामिल हो सकता है। इस मैनेजमेंट कंपनी के पास कई बड़े फिल्म स्टार्स के काम हैं। ऐसे में एनसीबी इनसे पूछताछ में ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि किस किस फिल्म स्टार्स ने इनसे ड्रग खरीदे। इसमें नम्रता शिरोडकर का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि करिश्मा और जया के अलावा सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी और क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी पूछताछ हुई है। इससे पहले इस केस में सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आ चुका है। ड्रग मामले में अभी तक 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रिया के साथ उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के स्टाफ मेंबर और कई ड्रग पैडलर शामिल हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।